अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 9 स्टूडेंट्स, हम यूनिट नंबर 5 के फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो में मेरे पास स्पेस कम थी, लिहाजा वो पहले 5 न्यूमेरिकल्स हमने कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 6 से ऑनवर्ड जो है अब हम इसमें सॉल्व करने जा रहे हैं। स्लाइड ऑन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करना था। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू द अर्थ एट जियो स्टेशनरी सेटेलाइट। द रेडियस ऑफ द जियो स्टेशनरी ऑर्बिट इज 48,700 किलोमीटर। अगेन बिल्कुल वैसी क्वेश्चन है, फॉर्मूले की गेम है। सिर्फ पहले आपने गिवन डाटा लिख लेते हैं। रेडियस ऑफ द जियो स्टेशनरी आर दिया हुआ है 48,700 किलोमीटर। इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें, 4.87 टाइम्स 10 रेज टू द पावर 1, 2, 3, 4 और के की जगह 3, यानी टोटल हो जाएगा 10 रेज द पावर 7 मीटर। रेडियस आ गया। कैपिटल जी की वैल्यू आपको पता है 6.673 टाइम्स 10 रेज द पावर -11 होती है। फिर मास ऑफ द अर्थ गिवन नहीं है, क्योंकि हमें चाहिए ज्यादा। मास ऑफ द अर्थ की भी वैल्यू हमें फिक्स याद करिए, याद करके रखनी है, 6 टाइम्स 10 रेज द पावर 24 किलोग्राम। फिर फाइंड करना है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, यानी स्मॉल जी की वैल्यू फाइंड करनी है। देखते हैं जी, यूजिंग फार्मूला स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी इन टू एम ई ओवर आर स्क्वायर। वैल्यूज हमारे पास गिवन है, सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो कैपिटल जी की वैल्यू है 6.673 टाइम्स 10 की पावर -11 मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ द अर्थ होता है 6 टाइम्स 10 रेज द पावर 24 डिवाइडेड बाय आर। आर की वैल्यू हमने ऊपर कैलकुलेट कर लिया है, 4.87 टाइम्स 10 रेज द पावर 10 रेज द पावर 7, यहाँ उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। अब अगेन पहले 6.673 और 6 का प्रोडक्ट लेंगे और मल्टीपल्स ऑफ 10, यानी 10 की पावर -11 और 10 की पावर 24 को अलग कर देंगे। और इसी तरह डिनोमिनेटर में 4.87 का स्क्वायर अलग करेंगे और 10 की पावर 7 होल की पावर 2, यानी 10 रेज द पावर 14 को अलग कर देंगे। फिर उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 6.673 मल्टीप्लाइड बाय 6 का प्रोडक्ट आ गया 40.038 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -11 और 10 की पावर 24 को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 10 की पावर 13 आ गया, और 4.87 का होल स्क्वायर सेपरेट कर दिया और 10 की पावर 7 की पावर 2 यानी 10 रेज द पावर 14 को सेपरेट कर दिया। अब 40.038 डिवाइडेड बाय 4.87 का स्क्वायर, इसका आंसर निकालें और उसको मल्टीप्लाई कर दें 10 की पावर -1 से, क्योंकि 10 की पावर 13 ऊपर है और 14 नीचे, तो जब माइनस करेंगे तो 10 की पावर -1 आ जाएगा और इस तरह आपका नॉर्मल कैलकुलेटर भी आपको आंसर दे देगा। तो आंसर आ गया हमारे पास 0.169 मीटर पर स्क्वायर मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। हैंस द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ जी इज 0.169 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 7, द वैल्यू ऑफ जी इज 4 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10,000 किलोमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। फाइंड द मास ऑफ द अर्थ, यानी मास ऑफ द अर्थ का आपको पता है, वैसे वैल्यू मैंने बताई 6 टाइम्स 10 की पावर 24 होती है, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि जब हम इसका आंसर निकालेंगे तो ये 6 के करीब करीब होगा, 5.99 आ जाए, वट एवर जो 6.0 समथिंग आ जाए, क्योंकि कैलकुलेटर की वजह से थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन आंसर में फर्क हो सकता है, लेकिन तकरीबन वो राउंड ऑफ करके वो 6 ही बनना चाहिए। 6 टाइम्स 10 रेज द पावर 24 का आंसर होता है। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं। कैपिटल गिवन डाटा में जी की वैल्यू दी हुई है 4 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, रेडियस दिया हुआ है 10,000 किलोमीटर, यानी 10 रेज द पावर 7 मीटर आ गया। कैपिटल जी की वैल्यू होती है 6.673 टाइम्स 10 की पावर -11 और मास ऑफ द अर्थ हमने फाइंड करना है। फॉर्मूला लिखेंगे, मास ऑफ द अर्थ का फॉर्मूला है स्मॉल जी ओवर कैपिटल जी मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर। इसका मैंने डेरिवेशन का एक प्रूफ भी करवाया हुआ है, अगर आप चाहें तो मास ऑफ द अर्थ के नाम से आप मेरे वीडियो चैनल से फिजिक्स के ग्रेड 9 के लेक्चर से देख सकते हैं। तो ये एक शॉर्टकट होता है मास ऑफ अर्थ की वैल्यू निकालने का, चीज़ वही है, वहाँ पे लिखा होता है आर स्क्वायर या जी मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर वो कैपिटल जी। तो इसको याद करने का आसान तरीका है द रेशियो ऑफ स्मॉल जी एंड कैपिटल जी मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर, यानी रेडियस ऑफ द अर्थ के स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। स्मॉल जी की वैल्यू गिवन थी हमारे पास 4 टाइम्स 10 रेज द पावर 7 और फिर उसका आर स्क्वायर है, उसका होल स्क्वायर लेंगे 10 की पावर 14 बन जाएगा, डिवाइडेड बाय 6.673 यानी कैपिटल जी की वैल्यू पुट की। अब देखें अगेन 4 और 6.673 का मैं डिवाइड कर दूंगा और 10 की पावर 14 ये है और 10 की पावर -11 नीचे था, जब ऊपर आएगा तो 10 की पावर +11 हो जाएगा और दोनों की पावर्स को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 14 प्लस 11 यानी 10 रेज द पावर 25।
अब 4 डिवाइडेड बाय 6.673 करें और जो आंसर है उसको 10 की पावर 25 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5.99 रेज टू द पावर 10 की पावर 24 किलोग्राम विच इज अप्रॉक्सीमेटली 6 टाइम्स 10 रेज टू द पावर 24 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 8, अगेन क्वेश्चन नंबर 8 में हमें कोई डाटा गिवन नहीं है, सिर्फ एक चीज बताई है और तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसको वैसे ही करेंगे, अपने कॉन्सेप्ट से करना है। एट व्हाट अल्टीट्यूड ऑफ द वैल्यू ऑफ जी वुड बिकम 1/4 देन ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, यानी कहने का मकसद क्या है कि वो कितनी अल्टीट्यूड किस हाइट पे जाके स्मॉल जी की वैल्यू जो है वो अपनी वैल्यू का 1/4 हो जाती है, यानी हमें सिर्फ एक चीज दी है बाकी कोई चीज नहीं बताई, तो हमने जो वैल्यू याद की वो हम इसमें पुट करेंगे। यानी गिवन डाटा में हमें ये बता दिया है कि जी एच इज इक्वल टू स्मॉल जी डिवाइडेड बाय 4, यानी किस हाइट पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू अपनी असल वैल्यू जो कि 10 होती है उसका 1/4 के इक्वल हो जाएगी, यानी सिर्फ एक ही चीज हमें दी है जी एच इज इक्वल टू जी ओवर 4। अब बाकी गिवन डाटा हम खुद लिखेंगे, इसमें हमें मास ऑफ द अर्थ चाहिए और हाइट तो क्योंकि हमने फाइंड करनी है, अब हमें जो चीजें चाहिए वो क्या चाहिए, स्मॉल जी और कैपिटल जी एच, सॉरी स्मॉल जी और स्मॉल जी एच, इन दोनों के फॉर्मे हमारे पास पहले से हमने याद किए हुए। देखिए मैंने लिखा एज वी नो दैट स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी द प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल जी एंड मास ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, यानी स्मॉल जी का ये फार्मूला है कैपिटल जी इंटू एम ई ओवर आर स्क्वायर, और स्मॉल जी एच का फार्मूला है यही फार्मूला जो हमने ऊपर लिखा है, इसमें आर प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इन दोनों फार्मूलों की मदद से हमने इस चीज को प्रूव करना है कि किस हाइट पे जाके जो जी की वैल्यू है वो 1/4 हो जाएगी। अब जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन है, जो कंडीशन है वो एक ही है, जी एच इज इक्वल टू स्मॉल जी ओवर 4, यहां से हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट के जरिए सॉल्व करेंगे। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन जी एच इज इक्वल टू जी ओवर 4, अब 4 को क्रॉस प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई कर दें तो स्मॉल जी इज इक्वल टू 4 टाइम्स जी एच आ गया, जस्ट क्या किया क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया, 4 यहां पे डिवाइड हो जाता दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब दोनों फॉर्मूले जो मैंने लिखे हैं स्मॉल जी का और कैपिटल जी एच, स्मॉल जी और स्मॉल जी एच का, दोनों की वैल्यूज इसमें प्लेस करते हैं तो स्मॉल जी की जगह आ जाएगा कैपिटल जी एम ई डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स जी एच की वैल्यू में आ गया कैपिटल जी एम ई ओवर आर प्लस एच स्क्वायर। अब देखें जो मैथमेटिकल अलजेब्रिक रूल्स हैं कि अगर इक्वेशन की दो साइड पे दोनों फ्रैक्शन दिए हुए हैं तो जो चीज सेम होती है वो उधर हम उसको कटिंग में कर सकते हैं, उसको नीचे ले जाकर भी कर सकते हैं और हम वैसे भी कर सकते हैं, यानी देखें कैपिटल जी इधर भी था ये कैंसिल हो गया, एम ई से कैंसिल हो गया और अब हमारे पास जो रिमेनिंग चीजें आ गई वो क्या आ गई 4/r² या सॉरी 1/r², क्योंकि जी और एम ई दोनों कैंसिल हो गए तो यहाँ पे 1 आ गया, तो 1/r² इज इक्वल टू 4/r + a², क्योंकि कैपिटल जी और एम ई दोनों तरफ से लिहाजा वो कैंसिल हो गए, तो हमारे पास रिड्यूस होने के बाद इक्वेशन बन गई 1/r² इज इक्वल टू 4/r + h का होल स्क्वायर। अगेन यहां से क्रॉस प्रोडक्ट करें, यानी 4 को आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें और 1 को आर प्लस एच होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो 4 टाइम्स आर स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4r² इज इक्वल टू आर प्लस एच का होल स्क्वायर, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आंसर आ जाएगा। अब क्योंकि हमने फाइंड तो करना रेडियस या हमें वो चीज वो हाइट फाइंड करनी है तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए कहेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो 4r² का स्क्वायर रूट लेंगे तो आ जाएगा 2r और r प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास ये रिड्यूस होकर आ जाएगा 2r इज इक्वल टू r प्लस h, सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स स्क्वायर रूट ऑफ 4r² इज इक्वल टू r प्लस h होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो 4 का स्क्वायर रूट लेंगे आ जाएगा 2r और r² का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो 2r इज इक्वल टू यहां से भी स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा r प्लस h आ जाएगा। अब दोनों r को इकट्ठा कर लें, यानी ये वाला r उठा के इधर लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएं तो 2r माइनस r इज इक्वल टू h हो जाएगा, यानी हाइट आ जाएगी हमारे पास 2r माइनस r, सो 2r में से एक r को माइनस कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास h इज इक्वल टू r, r का मतलब है रेडियस ऑफ द अर्थ, तो रेडियस ऑफ द अर्थ की वैल्यू में पता है 6.4 टाइम्स 10 रेज टू द पावर 6 मीटर होती है या 6400 किलोमीटर होती है, तो हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन क्या था हमारा कि एट व्हाट अल्टीट्यूड किस हाइट पे जाके जी की वैल्यू जो है वो अपनी वैल्यू के 1/4 के इक्वल आ जाएगी, तो इसका आंसर क्या है कि जब भी हाइट इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ होगी, यानी 6400 किलोमीटर अबव हाइट जब आ जाएगी तो जो जी की वैल्यू है वो अपनी वैल्यू का 1/4 के इक्वल हो जाएगी, हेंस जी बिकम्स 1/4 एट अ हाइट ऑफ इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ
और रेडियस ऑफ द अर्थ का मतलब है 6.4 × 10⁻⁶ मीटर। क्वेश्चन नंबर 9, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 9 और 10 दोनों एक ही जैसे हैं। अपोलर सैटेलाइट इज लॉन्च एट 850 किलोमीटर अबव द अर्थ, यानी ये हाइट दी हुई है, फाइंड इट्स ऑर्बिटल स्पीड, और ऑर्बिटल स्पीड फाइंड करनी है। तो हाइट दी हुई है जो सैटेलाइट की वो है 850 किलोमीटर, इसको पहले साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं, 8.5 × 10⁶ मीटर आ गया। अब रेडियस ऑफ द अर्थ यहाँ पे गिवन नहीं है, लेकिन हमें पता है कि 6400 किलोमीटर या 6.4 × 10⁶ मीटर होता है। कैपिटल जी की वैल्यू हमें मालूम है, 6.673 × 10⁻¹ होती है, और मास ऑफ द अर्थ भी हमें मालूम है, 6 × 10⁻²⁴ किलोग्राम। और आर, क्योंकि जब हाइट आ जाएगी तो मैंने कहा हमेशा आर प्लस एच की पहले ही आपने वैल्यू निकाल लेनी है, यानी 6400 किलोमीटर प्लस 850 किलोमीटर दोनों को ऐड किया, 7250 किलोमीटर, या अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लें, 7.25 × 10⁶ मीटर। अब हम फार्मूला लिखेंगे और वैल्यूज पुट कर देंगे। टू फाइंड है ऑर्बिटल स्पीड वी ओ, और इसका फार्मूला होता है वी ओ इज इक्वल टू जी एच इंटू आर प्लस एच। तो पहले हम इसमें एक दो तरीके हैं कि एक तो डायरेक्ट भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन सवाल कॉम्प्लेक्स हो जाता है तो पहले हम जी एच की अलग से वैल्यू निकाल लेते हैं, वही मैंने किया, पहले जी एच की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर जब उसका आंसर आ जाएगा तो फॉर्म में वैल्यू पुट करके आर प्लस एच की हमने वैल्यू निकाली उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। सो जी एच इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई ओवर आर प्लस एच का होल स्क्वायर, या मैं आपको तरीका सिखा चुका हूँ, कैपिटल जी की वैल्यू है 6.673 × 10⁻¹, मास ऑफ अर्थ की वैल्यू है 6 × 10⁴ डिवाइडेड बाय आर प्लस एच की हमने वैल्यू ऊपर निकाली हुई है, 7.25 × 10⁶ और इसका होल स्क्वायर। अब अगेन 6.673 और 6 का पहले प्रोडक्ट लिया वो आ गया 40.038, फिर 7.25 का स्क्वायर अलग कर दिया और 10⁶ का स्क्वायर अलग, यानी 10⁻¹ को अलग कर दिया और ऊपर भी इसी तरह किया, 10⁻¹ और 10⁻², दोनों को ऐड किया तो 10⁻¹³ आ जाएगी। फिर अब आपने वही करना है, 40.038 डिवाइडेड बाई 7.25 का स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई, इसको डिवाइड करके आंसर निकाल लें और मल्टीप्लाई कर दें 10³ और 10⁻¹ ऊपर जाएगा, यानी 10⁻¹, यानी 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो 7.6 मीटर पर स्क्वायर सेकंड आ जाएगा। अब हम वी ओ की फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, तो वी ओ इज इक्वल टू जी एच इंटू आर प्लस एच, तो जी एच की वैल्यू हमने निकाल ली है 7.62 मल्टीप्लाइड बाय 7.25, ये देखें, यानी जो हमने जी एच की वैल्यू निकाली है 7.62, अच्छा यहाँ पे 7.6 लिखा था वही मैंने लिख दी, इंटू आर प्लस एच की वैल्यू, आर प्लस एच की वैल्यू मैंने ऊपर कैलकुलेट की हुई है 7.25 × 10⁶, वो इसके साथ यहाँ मल्टीप्लाई कर दें और उसके बाद जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर रूट ले लें, तो यहाँ हमारे पास आंसर आ जाएगा 7431 मीटर पर सेकेंड, यानी हैंस द ऑर्बिटल स्पीड वुड बी 7431 मीटर पर सेकेंड। अब क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल इसी तरह का है, सिर्फ वैल्यू डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 10, अ कम्युनिकेशन सैटेलाइट इज लॉन्च्ड एट 42,000 किलोमीटर अबव द अर्थ, फाइंड इट्स ऑर्बिटल स्पीड। सबसे पहले हाइट देख लेते हैं, 42,000 किलोमीटर है तो 4.2 × 10⁷ मीटर हाइट आ गई। फिर रेडियस हमें पता है 6400 किलोमीटर होता है, जी की वैल्यू हमें मालूम है, मास ऑफ द अर्थ भी हमें मालूम है, और R प्लस एच की वैल्यू निकाल लेंगे, 6400 किलोमीटर प्लस 42,000 किलोमीटर पहले दोनों को ऐड किया, हमारे पास आ गई वैल्यू 48,400 किलोमीटर। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें, 4.84 × 10⁷ मीटर हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हम ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला लिखते हैं, अगेन वैसे ही करेंगे, पहले जी एच की वैल्यू ज्यादा निकालेंगे और फिर आर प्लस एच की वैल्यू हमने निकाली है 4.84 × 10⁷, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ऑर्बिटल स्पीड की वैल्यू आ जाएगी, उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। पहले जी एच निकाल लेते हैं, फॉर्मूला वही है, कैपिटल जी एम ई ओवर आर प्लस एच का होल स्क्वायर, तरीकेकार भी वही है, 6.673 मल्टीप्लाइड बाय 6, इसका अलग प्रोडक्ट ले लें, 10⁻¹ और 10⁻², को अलग ऐड कर लें और 10⁻³ बन जाएगा। सिमिलरली 4.84 का स्क्वायर अलग कर लें और 10⁻⁷ का स्क्वायर, यानी 10⁴ को सेपरेट कर लें। अब 40.038 को डिवाइड कर दें 4.84 के स्क्वायर से और जो आंसर है उसको मल्टीप्लाई कर दें
10 की पावर माइनस 1 से, क्योंकि 13 माइनस 14 करेंगे तो 10 की पावर माइनस 1 से उसको मल्टीप्लाई कर दें, हमारा आंसर आ जाएगा 0.17 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। अब हम वी ओ का फॉर्मूला लिखेंगे। नाउ द ऑर्बिटल स्पीड इज इक्वल टू जी एच इंटू आर प्लस एच। जी एच का हमने वैल्यू निकाल ली है 0.171 मल्टीप्लाइड बाय, ये हमने आर प्लस एच की वैल्यू निकाली हुई है 4.84 टाइम्स 10 टू द पावर 7, इसे मल्टीप्लाई किया और उसके बाद उसका स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2876.86 मीटर पर सेकेंड। हैंस द ऑर्बिटल स्पीड वुड बी 2876.86 मीटर पर सेकेंड। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा कि वैसे तो मैंने चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल्स बोर्ड पे भी आपको बताए थे, लेकिन क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये कह रहे थे कि मैंने अब क्योंकि डिजिटल प्रेजेंटेशन के जरिए बनाना शुरू किया, तो उम्मीद है कि जो वहाँ पे थोड़ा बहुत विजन का इशू था वो अब सेटल हो गया होगा। और आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आई हैं तो इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें, और जिन लोगों ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।